हमारे शरीर का मुख्य अंग है नाभि। नाभि पे जो प्रयोग किए जाते हैं वो आपको धन प्राप्ति में मदद करते हैं। तो नाभि पे अक्सर कुछ चीज़ें लगाने की सलाह दी जाती है, विशेष रूप से जो शुभ दिन होते हैं, जैसे हम नवरात्रों की बात करें, अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और 30 जून से 9 जुलाई तक विद्यमान रहेंगे। तो इस अवधि में आप नाभि पर जो भी कर्म करेंगे, जो भी क्रिया करेंगे, वो आपको पूर्ण फल देगी, क्योंकि शक्ति के दिन है, तांत्रिक क्रियाओं के दिन है। हालांकि जो तंत्र प्रयोग होते हैं तांत्रिकों को शोभा देते हैं और तांत्रिक लोग ही करते हैं, लेकिन गृहस्थी लोग भी ये क्रिया कर सकते हैं, इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और उनको भी नाभि पर ये चीज़ लगानी चाहिए जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। तो हफ्ते में सब मतलब 30 तारीख से 9 तारीख तक अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करें तो आपको फ़ायदा होता है। तो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि आप कौन सी चीज़ कब लगाएं जो आपके पैसे को जागृत करे, लक्ष्मी तत्व को जागृत करे, कुबेर तत्व को जागृत करे और आपके ज़िंदगी में पैसा ही पैसा आए। जो भी आप क्रिया करेंगे वो अगर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करते हैं और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करते हैं तो ही आपको फ़ायदा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है और इसके हिसाब से ही आपको वो चीज़ लगानी है जो मैं आपको नाभि पे लगाने के लिए बता रही हूँ। आप पैसों में ना खेले तो कहना, आपकी तरक्की ना हो तो कहना, बरकत ना हो तो कहना। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, ऐसे ही वीडियो लाती हूँ जो आपके बहुत फ़ायदा करता है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तु में है, तो ये चैनल आपके बहुत काम का है, जिसका नाम है डॉक्टर उमाश्री। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक और जानिए कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको नाभि पे लगानी है। तो आइए प्रक्रिया को शुरू करते हैं। नाभि पर अगर आप सरसों का तेल लगाते हैं तो आपके अच्छे दिन की शुरुआत हो जाती है, आपके बुरे दिन का प्रभाव ख़त्म हो जाता है और उसी पल से आपको यूनिवर्स माता रानी प्रगति देती रहती है और आपके जीवन में सुख सौभाग्य जागृत होता है। तो सरसों का तेल आपको नाभि पे लगाना चाहिए। दूसरा तेल है चंदन का तेल। चंदन का तेल न केवल खुशबू को फैलाता है बल्कि उसमें एक ऐसा रोग ऐसी चीज़ होती है जो आपको रोगों से मुक्त करती है, पीड़ाओं से मुक्त करती है और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कई बार बॉडी में बहुत ड्राइनेस आ जाती है और आपकी खुजाने मात्र से ही आपकी त्वचा पे सफ़ेद लकीरें आ जाती हैं। इसका श्रेष्ठ उपचार चंदन का तेल है और इसको कोकोनट ऑयल में मिलाकर आपको लगाना चाहिए। स्पेशली नाभि पे लगाएंगे तो आपको बहुत तरोताज़ा महसूस होगा और चमत्कारिक रूप से आपको लाभ मिलने लगेगा। नीम का तेल। नीम का तेल भी औषधियों गुणों से भरपूर है और स्वास्थ्य की रक्षा करता है। इसका प्रयोग आपको सरसों के तेल के साथ करना चाहिए और नीम का तेल कम मात्रा में लेना है। इसको संपूर्ण शरीर पर मालिश करने से और स्नान करने से आपको लाभ होता है, त्वचा एकदम साफ हो जाती है, लेकिन ये नाभि पे भी अवश्य लगाएं तभी आपको फ़ायदा होगा। सूरजमुखी का तेल कुकिंग ऑयल के रूप में हर घर में होता है, लेकिन आप धन पाना चाहते हैं तो आपको इसका दीपक भी अपने शयन कक्ष में लगाना चाहिए। लेकिन नाभि पे भी अगर आप सूरजमुखी के तेल का प्रयोग करते हैं, मसाज करते हैं नाभि पर, तो भी आपको खुश भरी नींद आती है, तनाव कम होता है, कलह नहीं होता जीवन में और अच्छी निद्रा की प्राप्ति होती है। तो इसको आप नाभि पे अवश्य लगाएं, जिसका नाम है सूरजमुखी का तेल। कपूर का तेल आप अपनी नाभि पे लगाते हैं तो आपको ठंडक मिलती है। अगर आपके पेट में गैस बनती है तो इसको प्रयोग करें तब आपको फ़ायदा होगा। इससे पेट की गैस बनना सीमित मात्रा हो जाती है। लौंग का तेल भी नाभि पे लगाना बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसको लगाने मात्र से ही आप सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और आपका जीवन खुशहाल हो जाता है और आपको हर पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। कफ की शिकायत जिनको होती है तो वो लौंग का तेल लगाएं या उसका सेवन करें तो बहुत फ़ायदा होता है, ठंड से भी इससे मुक्ति मिलती है। तो लौंग का तेल सीमित मात्रा में ही आपको नाभि पे लगाना है और चमत्कार देखिए।
अरंडी का तेल, अरंडी के तेल से सौंदर्य प्राप्त होता है और अरंडी का तेल जो यूज़ करता है उसको बहुत फ़ायदा होता है। सौंदर्य के लिए आपको इसमें बेसन मिलाकर पेस्ट बनाकर फेस पे लगाना चाहिए। उबटन के रूप में भी इसको प्रयोग ले सकते हैं। इससे पिंपल्स भी दूर होते हैं और चेहरे पे निखार आता है। लेकिन अगर आप इसको नाभि पे लगाते हैं तो भी ये वही काम करता है और आपके सौंदर्य को निखारता है। सत्यानाशी का तेल, नाम से अजीब लग रहा होगा लेकिन सत्यानाशी का तेल के नाम से ही ये मार्केट में मिलता है और किसी भी आप पंसारी के दुकान पे इसको प्राप्त कर सकते हैं। पंसारी के दुकानों पर छोटे छोटे शीशियाँ में ये तेल मिलता है, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन की सभी समस्याओं का निजात पाने के लिए सत्यानाशी का तेल बहुत फ़ायदेमंद है। सत्यानाशी का तेल जो नाभि पे लगाता है उसके जीवन में सुख समृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं, जिससे उसका मन कमाई में लगता है और उसके जीवन में इतनी अर्निंग हो जाती है तो जो देखता है वो दंग ही रह जाता है। तो इससे अर्निंग में आपको मदद मिलती है अगर सत्यानाशी का तेल आप अपनी नाभि पे लगाते हैं। जो व्यक्ति रात्रि में बुरे स्वप्न के समय डर जाते हैं तो उनको भी नाभि पे ये तेल लगाना चाहिए। इस तेल से बहुत चमत्कारिक रूप से आपको लाभ होगा। अब हम बात आते हैं तिल का तेल। तिल का तेल का भी औषधीय महत्व है और तिल का तेल तासीर में गर्म होता है, इसीलिए इसका सेवन सर्दियों में किया जाता है। इससे वक्ष का यानी स्तन का सौंदर्य बढ़ता है और इसकी मसाज आप अरंडी के तेल के साथ मिलाकर करें, मतलब तिल का तेल और अरंडी का तेल बराबर मात्रा में मिलाएं और इसका प्रयोग आप अपने स्तन पे करते हैं तो आपके स्तन कड़े हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो ये वक्ष के सौंदर्य के लिए भी बहुत यूज़फुल है, लेकिन इसका प्रयोग करने से बहुत चमत्कारिक रूप से आपको लाभ होता है। जिन लोगों को भूत प्रेत की शिकायत होती है, घर में नज़र पीड़ा होती है, तो उन लोगों को अपनी नाभि पे ये तेल लगाना चाहिए। ये एक सुरक्षा की तरह आपका काम करता है, सुरक्षा चक्र की तरह आपका काम करता है। और नाभि पे तिल का तेल भी लगाना चाहिए। हमने इतने सारे तेल आपको बताए, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार तेल लगाएं। लेकिन सभी तेलों का मूल मंत्र है आपको पैसे वाला बनाना, और यही हम आपको बताना चाहते हैं। तो ये तेल आप अपनी बॉडी पे लगाइए। स्पेशली नवरात्रों की बात हुई है, गुप्त नवरात्रों में ही ये गुप्त प्रयोग आपको करना है, तभी आपको लाभ मिलेगा और तभी आपको सफलता मिलेगी। हमने इतने सारे उपाय बताए, इतने सारे उपायों का एक ही मूल मंत्र है, आपको पावर मिले, पोजीशन मिले और पैसा मिले। वो तीनों ही आपको मिल जाएंगे इन तेलों का प्रयोग करने से। कभी कौन सा प्रयोग करें, आप 9 दिन में 9 अलग अलग तेलों का प्रयोग भी कर सकते हैं आपके पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तु में है तो ये चैनल आपके बहुत काम का है और इस चैनल के द्वारा आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मैं देने का प्रयास करती हूँ। मैं डेली ऐसी वीडियो डालती हूँ जो आपको खुशहाल बना सकती है, तरक्की दे सकती है। पैसा, पावर और पोजिशन तीनों ही आपको प्राप्त होंगी इस उपाय से। थैंक यू सो मच।